अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मौली, ये लोग तो जान लेने पे तुले, हमें यहां से भागना होगा। पकड़ो, बच के जाने नहीं चाहिए दोनों। एक शब्द नहीं बोलोगी तुम। ठाकुर साहब, क्षमा कर दीजिए। जा रहे जमाना, जा रहे ऐसी दोस्ती जो हमारे लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दे। ठाकुर साहब, हैसियत तो नहीं हमारी कि हम आपको आपकी बेटी के रिश्ते के लिए मना करें, लेकिन एक माँ होने के नाते कह रहे, अगर आपकी बेटी के रिश्ते के चक्कर में ना हमारे बिहान की जिंदगी बर्बाद हुई ना, तो हम भूल जाएंगे कि आप कौन हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ठाकुर साहब से इतनी ऊंची आवाज में बात करो? राजकुमारी जी, नहीं ठाकुर साहब, मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर आपकी बेइज्जती नहीं। और तुम सुलक्षणा, जिस बेटे पर इतना इतरा रही हो, जिसे अपना गुरूर मानती हो, वो ठाकुर साहब के टुकड़ों पर पलकर ही बड़ा हुआ है। इतनी इज्जत से तुम्हारे यहाँ रिश्ता लेकर आए थे और तुम उन्हें बेइज्जत कर रही हो। नहीं चाहिए तुम्हारा लड़का, नहीं करनी है हमें तुम्हारे यहाँ शादी। ठाकुर साहब, चलिए यहाँ से, इन लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं। ठाकुर साहब, अगर ठाकुर साहब पहले ही अपनी बेटी को संभाल लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। कर ली ना तुमने अपने मन की? We'll be right back.
मौली, कहीं ये गुंडे छोटी माँ ने तो नहीं भेजे? नहीं पियर, वो माँ है हमारी, और कोई भी माँ कभी अपने बच्चे की जान नहीं लेगी। ये जरूर रोहन और उसकी माँ ने किया होगा। ठाकुर साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप गाड़ी में बैठ जाइए ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। भाभी जी, भाभी जी, हम सुलक्षणा की तरफ से माफी मांगते, समझाइए ना ठाकुर साहब को। ठाकुर साहब, पूरा गांव देख रहा है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दीजिए ना। अब इसकी कोई जरूरत नहीं केदार, हम समझते थे कि तुम हमारे दोस्त हो, कोई हमें समझे या नहीं समझे, लेकिन तुम हमें जरूर समझोगे, लेकिन ये तो हमें ही समझना चाहिए था। बची खुची जो भी इज्जत थी वो भी चली गई। इस दिन को हम कभी नहीं भूल सकते केदार। ठाकुर साहब, भाभी जी, आप समझाइए ना हमको। ठाकुर साहब, पियान, प्लीज चिल्लाना बंद करोगी? अरे हमारी जान जा रही है, और तुम बोल रहे हो कि आप चिल्लाए भी नहीं। जय श्री शंभू, 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 जय श्री शंभू। यार जान जाएगी तब जाएगी, अभी मेरे कान सुनो रे। जय श्री शंभू, जय श्री शंभू, जय श्री शंभू। अरे हमें तो लग रहा है अपने भोलेनाथ की झूठी कसम खाई, हमें उसका फल मिल रहा है। मैंने तो कोई कसम नहीं खाई झूठी भोलेनाथ की, चिंता मत करो, अभी नहीं मरोगी तुम। सारी प्यार दर्द तुम चल रहे हो, काम काम चिल्ला रहे मौली, ये सॉरी और थैंक यू यहाँ से निकलने के बाद बोल लेना, अभी यहाँ से निकलने का कोई तरीका देखो। प्लीज बोलेगा प्यार को बचा लीजिए, कहे कि हमें कुछ हो गया तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, पर प्यार उस पर उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। प्यार, प्यार रास्ता मिल गया। कहाँ है? वो देखो। मौली पकड़ो,
इतना क्या मुस्कुरा रही हो तुम? चाको राखे साईया, मार सके ना कोई। पता है बियान, आज एक बात हमें समझ में आ गई कि सिर्फ तुम अकेले नहीं, भोलेनाथ भी हमारे साथ है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। नौकरों को मुंह लगाएंगे तो यही होगा ना? इसीलिए मैं कहती थी कि उनको मान देने का कोई मतलब नहीं है। खेत जोतने वाले बैल को खुला छोड़ दोगे तो खेत चल ही जाएगा ना? हम उससे बात कर रहे थे ना, आपने उन पर हाथ क्यों उठाया? ठाकुर साहब, अगर आपको बुरा लगा तो मैं माफी चाहती हूँ, पर माँ जी, इनकी इतनी बेइज्जती हो रही थी, मैं कैसे देख सकती थी? ठाकुर साहब, इतना कुछ होने के बाद भी क्या अब हम उस घर में रिश्ता जोड़ सकते हैं? माँ जी, और वो सुलक्षणा जिसका मुंह नहीं खुलता हमारे आगे, उसने आज ठाकुर साहब को कैसी कैसी बातें कही, बताइए मैं क्या करती? रुला दिया ना बहू को, वो भी उन लोगों के लिए जिन्हें ना हमारे घर की परवाह है ना हमारी इज्जत की। राजकुमारी, मैं आपको दोष नहीं दे रहा, लेकिन उस लड़की से छुटकारा पाने का एक यही तरीका था। इसका इलाज भी ढूंढ लिया है मैंने। मौली के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ लिया है मैंने। रक्षा करना। अरे चिंता ना करो माँ, हम नैना को लेने जा रहे हैं और रास्ते में बिहान मिलेगा तो उसको भेज देंगे। जा रहे जमाना? अरे लड़का सुबेरे से गायब है और एक आप है कि ठाकुर साहब के दुख में ढाकुर सुहाती गा रहे हैं।
रात होने को आई, पता नहीं हमारा बिहान कहाँ रह गया। देख कहाँ होगा माँ, होगा वही मौली के पास। अब पता नहीं देवी जी कौन सा नया कर्तव्य करवाएंगे हमारे बिहान से। हम आते हैं लेके नैना को। हमारा नाम जुड़ चुका है बिहार से, पता नहीं हम लोग क्या कहेंगे। बिहार आराम से, बिहार अब अच्छा लग रहा है तुम्हें? नहीं होने देंगे बिहान।